ये है Realme Watch 2 Pro। सो आधा लीवर बेचने के बाद मैंने भी इसको खरीद लिया है, मेरे पास भी आ चुकी है Realme Watch 2 Pro। तो चलिए करते हैं इस मोस्ट अवेटेड स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू एंड जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इसके कंटेंट्स के बारे में। यहाँ पे इन्होंने जो बॉक्स है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा, कैमरे में फिट नहीं आ रहा था तो छोटा लेंस लगाना पड़ा। बैक साइड में आपको इसके कुछ स्पेक्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही अनबॉक्स करते हैं यहाँ पे वॉच देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी लगती है, खूबसूरत वॉच देखने को मिलेगी। और साथ में आपको यहाँ पे ये चार्जिंग डॉक देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा डॉक देखने को मिलेगा। और साथ में आपको एक यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिलेगी। सो दैट्स ऑल इन द बॉक्स। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वॉच देखने को लगी, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, 40 ग्राम्स है इंक्लूडिंग स्ट्रैप्स, तो बहुत ही लाइट वेट है। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे एट द फ्रंट आपको यहाँ पे ग्लास टॉप देखने को मिलेगा और बैक साइड में प्लास्टिक या ABS से बनी हुई है। सो इट्स नॉट अ मेटेलिक स्मार्ट वॉच, इट्स प्लास्टिक स्मार्ट वॉच। स्ट्रैप्स 22mm के रिप्लेसेबल है और यहाँ पे आपको डेयर टू लीप देखने को मिलेगा जो कि टैगलाइन है Realme की। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। बहुत ही खूबसूरत देखने को लगता है यहाँ पे, 320x385 का पिक्सल रेजोल्यूशन है, 1.75 इंच का पैनल देखने को मिलेगा आपको, काफ़ी खूबसूरत देखने को लगते हैं, पॉप आउट कलर्स देखने को मिलेंगे और 5 स्टॉप में ब्राइटनेस आती है, 20, 40, 60, 80, 100% में आप इसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि 5 स्टॉप में ब्राइटनेस देखने को मिलेगी और पीक आपकी 600 निट्स है, तो डे लाइट में आपको कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आप बाहर ट्रेवल करते हैं, आप वॉच के कंटेंट्स को देखना चाहते हैं, आसानी से विजुअल हो जाएंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। यहाँ पे इवन आपको टॉप में गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिलेगा, तो प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा आप टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ कीजिएगा। बेस्ट जो टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर है उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी सेंसर्स। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे सेंसर्स देखने को मिलेंगे, आपको पेडोमीटर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटर है, SPO2 है और इवन आपका ड्यूअल प्रिसीजन GPS भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसमें ड्यूअल प्रिसीजन GPS है, तो काफ़ी अच्छा GPS का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा आउटडोर्स में। जब भी आप इसको यूज़ करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स मोड के साथ, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। सेंसर एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुझे एक्यूरेट देखने को लगा, चाहे वो आपका SPO2 हो चाहे हार्ट रेट हो, एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया रिलायबल डेटा शो करता है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे आपका सरफेस पे डेटा शो नहीं करता है, तो चाहे वो हार्ट रेट हो या SPO2 आपको सरफेस पे डेटा शो नहीं करेगा और एयर पे तो बिल्कुल भी कोई डेटा शो करने का चांस ही नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके नोटिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पे आपको कॉल्स एंड मैसेज के नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। आपको Realme लिंक से इनको इनेबल करना पड़ेगा, आसानी से आप इनको यूज़ कर पाएंगे। और आप कॉल्स को रिसीव नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ साइलेंट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। मैसेज को भी आसानी से आप रीड आउट कर पाएंगे। अगर आपका कोई न्यू मैसेज आता है, आप देखेंगे टॉप में एक ग्रीन डॉट देखने को मिलेगा, इट्स एन इंडिकेशन कि आपका नया मैसेज आया, आसानी से आप रीड आउट कर पाएंगे। काफ़ी बड़ी स्क्रीन है तो मैसेज को पढ़ने में कोई भी इशू नहीं होता, बट थोड़ा सा ड्रॉबैक देखने को मिला कि क्विक रिप्लाई जैसे ऑप्शन नहीं है। अगर क्विक रिप्लाई जैसा ऑप्शन भी होता तो मज़ा आ जाता। अगर आपको कॉल्स एंड मैसेज के नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं, आपने सारी सेटिंग्स कर ली हैं फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस के ऊपर बना दूंगा कि कैसे कॉल्स एंड मैसेज और सेटिंग्स को इनेबल करना है। तो चलिए बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड के बारे में। वाओ, 90 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेंगे आपको इस वॉच में। इतने स्पोर्ट्स होते भी हैं? वेल, मुझे तो 3-4 स्पोर्ट्स पता है और सारे इसमें देखने को मिलेंगे। और अगर आप थोड़े हाईफाई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो डेफिनेटली वो भी आपको इस वॉच में देखने को मिल जाएंगे, तो भर भर के स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेंगे। सो मूविंग ऑन टू द बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग। यहाँ पे आपको 390mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा बैटरी रिस्पॉन्स मिलने वाला है क्योंकि जो फॉर्म फैक्टर है बहुत ही स्मॉल है, 40 ग्राम्स की है, और फिर भी आपको 390mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। सो आपको यहाँ पे 14 डेज का ये बैटरी बैकअप क्लेम करते हैं, बट अगर आप इसका ब्राइटनेस को 40% रखते हैं और कंटिन्यूस हार्ट रेट को ऑन भी रखते हैं तो भी आपको समवेयर अराउंड 10-11 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। इट्स नॉट सिमिलर टू व्हाट दे क्लेम, बट स्टिल काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। अगर आप हाई यूसेज करते हैं, ब्राइटनेस को फुल रखते हैं, कंटिन्यूस हार्ट रेट को, सेडेंटरी रिमाइंडर और सारे ऑप्शंस को ऑन रखते हैं तो समवेयर अराउंड 4-5 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा हाई यूसेज में। और इसमें डेडिकेटेड पावर सेविंग मोड भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये डॉक टाइप का चार्जर देखने को मिलेगा, काफ़ी रोबस्ट है, आसानी से आप प्लेस कर पाएंगे, पूरा मैग्नेटिक है, आसानी से आपकी वॉच के साथ चिपक जाता है, इजीली रिमूवेबल नहीं है। तो अगर आप एक बार वॉच को चार्जिंग पे लगा देंगे तो इंश्योर रहिए कि आपकी वॉच
100% चार्ज होने वाली है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट 1.2 आवर्स में ही कम्प्लीटली चार्ज होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इनकी कनेक्टिविटी एंड कंफर्टेबिलिटी के बारे में। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलेगा। इट्स नॉट लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, ब्लूटूथ 5.2 मेरे हिसाब से होना चाहिए था क्योंकि ये वॉच फीचर प्रूफ वॉच है, तो डेफिनेटली ब्लूटूथ 5.2 होता तो बढ़िया होता, बट स्टिल ब्लूटूथ 5 है। आसानी से आप पेयर कर पाएंगे, कोई भी इशू नहीं होगा, और आप मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ पेयर कर सकते हैं रियलमी लिंक ऐप से। तो अगर आप दो वॉचेस भी यूज़ करते हैं, दो बैंड यूज़ करते हैं, या आपने TWS ईयरफोन यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आसानी से आप ऐप के थ्रू पेयर कर पाएंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। रेंज इसकी काफ़ी बढ़िया, आराम से आपको 8 से 10 मीटर इसकी रेंज देखने को मिलेगी। कनेक्शन ब्रेकेज देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप इंडोर्स में भी हैं तो भी कनेक्शन ब्रेकेज नहीं होता है। कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो स्ट्रैप्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, लाइट वेट है और बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ आती है। स्ट्रैप्स सिलिकॉन से बने हुए हैं, स्किन फ्रेंडली स्ट्रैप्स हैं, आसानी से आप इनको यूज़ कर पाएंगे। बात कर लेते हैं इसके वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट रेटिंग की। यहाँ पे आपको IP68 वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग देखने को मिलेगी, सो डेफिनेटली आप इसको जिम में यूज़ कर सकते हैं, इवन अगर आप शॉवर में यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाइट रेनफॉल में भी कोई इशू नहीं होगा। बट दिस वॉच इज़ नॉट स्विम प्रूफ, तो स्विमिंग के लिए अगर आप एक वॉच ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे निराशा हुई और शायद आपको भी होगी, क्योंकि ये स्मार्ट वॉच स्विम प्रूफ नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके वॉच फेसेस के बारे में। बहुत ही बढ़िया वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे। कंपनी क्लेम करती है अराउंड 100+ वॉच फेसेस, बट मेरे हिसाब से 60-70 वॉच फेसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता हो कि फ्यूचर में अपडेट कर दिए जाएं वॉच फेसेस, राइट आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा। तो अगर आप परचेस कर रहे हैं स्मार्ट वॉच को तो उस OTA अपडेट को जरूर अपडेट कर लीजिएगा। लाइव वॉच फेसेस भी देखने को मिलेंगे, एंड दिस वन इज माय फेवरेट, यहाँ पे आपको अर्थ रिवॉल्व करते हुए दिख जाएगी, सो दिस वन इज फेवरेट। और इवन रियलमी का जो बिल्ली वाला है वो भी आपको लाइव वॉच फेस देखने को मिलेगा। सो आप वॉच में भी वॉच फेसेस को स्टोर करके रख सकते हैं, ऑलमोस्ट 7 वॉच फेसेस आपके वॉच में स्टोर हो जाएंगे और आसानी से आप उनको चेंज कर पाएंगे बिना ऐप की मदद से। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्ट फीचर्स के बारे में, क्योंकि बिना स्मार्ट फीचर्स के कोई भी वॉच स्मार्ट वॉच नहीं होती। म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट अनलाइक अदर वॉचेस यहाँ पे जो कैमरा कंट्रोल है वो डायरेक्टली आपके नेटिव कैमरा ऐप के साथ वर्क करता है। यानी कि अगर आप अपने कैमरा ऐप के साथ इसको यूज़ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, इवन अगर आप इंस्टाग्राम पे भी फोटोज़ को क्लिक करना चाहते हैं तो इस वॉच की मदद से कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं था अदर वॉचेस में। वहाँ पे आपको जो ऐप में इनबिल्ट कैमरा था उसको यूज़ करना पड़ता था। साथ ही साथ बेसिक स्मार्ट फीचर जैसे कि आपका सेडेंटरी रिमाइंडर हो गया, वाटर रिमाइंडर हो गया, मेडिटेशन रिमाइंडर हो गया, या आपका अलार्म हो गया, क्लॉक हो गई, इवन आपका टाइमर हो गया, जैसे सारी फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप इजीली चाहते हैं तो अलार्म्स को भी सेट कर सकते हैं वॉच की मदद से। वेदर फंक्शनलिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो एक चीज़ मुझे वेदर फंक्शनलिटी में बहुत ही अच्छी लगी, यहाँ पे आपको आपका UV इंडेक्स दिखाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे विंड्स की स्पीड दिखाएगा और अदर पैरामीटर्स दिखाएगा जो कि दूसरे स्मार्ट वॉचेस में नहीं देखने को मिलते हैं। UI एंड UX के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया मुझे देखने को लगा रिस्पॉन्स यहाँ पे। Realme Link ऐप है, अगर आपके पास कोई और Realme का डिवाइस है तो डेफिनेटली आपने Realme Link ऐप को यूज़ किया होगा, तो ऐप काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है, कोई भी इशू नहीं होगा। बट जो वॉच का UI मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे बहुत ही पसंद आई, जैसे कि अगर आपका कोई नया मैसेज आता तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर का डॉट देखने को मिलेगा, इट्स अ नोटिफिकेशन रिमाइंडर। अगर आप स्टॉप वॉच को ऑन करके रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो शॉर्टकट मेनू है वहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में एक छोटी सी क्लॉक देखने को मिलेगी ऑरेंज कलर की, वो रिमाइंड करता है कि आपका जो स्टॉप वॉच है वो ऑन है। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव और फास्ट UI देखने को मिला। ड्रॉप डाउन करते हैं तो आप मैसेज के नोटिफिकेशंस को पढ़ पाएंगे, साथ ही साथ रेस टू वेकअप भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, टॉर्च लाइट देखने को मिलेगी, ये चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। और इस टॉर्च लाइट की खास बात है कि ये आपका SOS मैसेज के साथ भी आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं SOS फंक्शनलिटी के साथ भी आपको टॉर्च लाइट देखने को मिलने वाली है। सो UI UX मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया स्मार्ट वॉच का, डेफिनेटली लैग फ्री UI दिखता है और इनका प्रोप्राइटरी UI है, किसी और स्मार्ट वॉच में आपको ये UI देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए कर लेते हैं इस वीडियो को समराइज और बताते हैं क्या स्मार्ट वॉच आपको परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसी स्मार्ट वॉच जिसकी डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी सॉलिड हो, कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं हो और ढेर सारे फीचर्स के साथ आती हो, UI उसका बहुत ही बढ़िया हो, स्मूथ हो, तो ये वॉच है हाईली रिकमेंडेड। बट अगर आपको चाहिए एक स्विम प्रूफ वॉच तो फिर ये स्मार्ट वॉच रिकमेंडेड नहीं है। किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स खेलते हैं, किसी भी तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सारे आपको मोड यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, तो कोई भी इशू नहीं होगा। डेफिनेटली अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है हाईली रिकमेंडेड है, बट ध्यान में रखिएगा अगर आपको चाहिए एक वाटर प्रूफ स्मार्ट वॉच स्विमिंग के लिए तो ये स्मार्ट वॉच रिकमेंडेड नहीं है। इस स्मार्ट वॉच की जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से आके स्मार्ट वॉच को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब नाउ। और बहुत ही जल्द मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ दूसरे स्मार्ट वॉचेस के साथ, जैसे कि Amazfit Bip Pro। और अगर आप किसी और स्मार्ट वॉच के साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देखने के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।